लोगों के असहयोग के कारण हाथियों की मौत हो रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हाथियों की संख्या में कमी आ जाएगी, जिसके चलते प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पशु प्रेमी संगठन सोलिटरी नेचर एंड एनिमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन हाथियों की मौत को रोकने और हाथियों को बचाने के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। वही वॉइस फॉर एशियन एलिफेंट सोसाइटी ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। आज सिलीगुड़ी महकमा परिषद के हॉल में हाथियों के संरक्षण को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वॉइस फॉर एशियन एलिफेंट सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संगीता अय्यर ने प्रोजेक्टर के माध्यम से हाथियों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस दौरान वाइल्ड लाइफ रिसर्चर अरित्र खेत्री, स्नेप फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौस्तुभ चौधरी के साथ साथ अन्य लोग मौजूद थे। इधर कैलिफोर्निया से आई संगीता अय्यर ने बताया कि ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा है, अबाउट 1.41 बिलियन पीपल हो चुका है, और अभी वेस्ट बंगाल में तो है अबाउट 100 मिलियन पीपल रहते हैं, और उनको भी जीना है। ह्यूमंस आर डोमिनेंट स्पीशीज, एलिफेंट्स आर डोमिनेंट स्पीशीज, दोनों के सर्वाइवल के लिए उनका स्ट्रगल हो रहा है। तो डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स तो वोट दे सकते हैं, एलिफेंट्स वोट नहीं दे सकते हैं। तो पॉलिटिशियंस को जो ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगी, क्योंकि ह्यूमंस को हेल्प करेंगे तो उनको वोट मिलेगी, तो वो जो भी उनकी इनिशिएटिव्स होती है वो होती है ह्यूमंस के लिए, बचाने के लिए, मतलब गरीबी हटाओ ऐसे वैसे ह्यूमंस के लिए होती है। पर हाथियों के लिए या जानवरों के लिए हम कोशिश इसीलिए करते हैं कि उनका जीना ज़रूरी है, और लोगों जो अभी विलेजेस में रहते हैं उनको अभी अवेयरनेस कैंपेन ऐसे वैसे करके उनको सिखा के थोड़ा मतलब दिल में उनके लिए कंपैशन इंस्टिल करने के लिए टाइम लगती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी लाइफस्टाइल एक किस्म की होती है और दे आर यूज्ड टू इट। उनके मन में है कि सिर्फ हम मतलब ह्यूमंस के ये दुनिया है, पर ये जो दूसरे जंतु जानवर की भी जीने की हक है, ऐसे उनको मतलब अवेयरनेस करके बाद में जब भी हम उनको सिखाएंगे कि हम आपको भी केयर करते हैं, आपके भी बारे में केयर करते हैं और हाथियों की भी बारे में केयर करते हैं, तो हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस बना सकते हैं। तो स्ट्रगल इसीलिए है कि उनको थोड़ा पहले अवेयरनेस करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, बाद में हम उनको बताएंगे कि हमें आपके भी स्थिति पे थोड़ा सा दया आती है तो हम आपको भी हेल्प करेंगे, तो आप एलिफेंट को भी हेल्प कीजिए या वाइल्ड लाइफ को भी हेल्प कीजिए, तो वैसे को एग्जिस्टेंस बना सकते। अवेयरनेस कैंपेन तो पहले इम्पोर्टेंट है, क्यों हम ये जो करते हैं, क्यों हम हाथी को बचाते हैं। पर अवेयरनेस होने के बाद ओके, तो जैसे आपको अभी पता चल गया कि एलिफेंट्स को बचाना है, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं कि आप भी एलिफेंट को मतलब देखभाल करेंगे। तो इसीलिए हमने ये जो फ्लैश लाइट्स प्रोजेक्ट लॉन्च किए, एली सेंस प्रोजेक्ट मतलब जो मतलब हाथियों को बचाने के लिए, और एली फेंस मतलब जो सोलर फेंसिंग प्रोजेक्ट जो खेती बाड़ी को बचा सकते हैं फार्मर्स के लिए, और जो टी प्लांटेशन कॉरिडोर वगैरह ताकि मतलब जो टी प्लांटेशन की नुकसान ना हो, और सभी के साथ कोलैबोरेट करके हम मतलब काम करेंगे ना, तो हो सकता है। टाइम तो ये सब लगेगा ही ना, क्योंकि उनके माइंडसेट ऐसी किस्म की है, इसीलिए अवेयरनेस और बात करके सिखा के स्टेप बाय स्टेप करेंगे, नॉट ओनली अवेयरनेस बट ऐसे प्रोजेक्ट्स करके बता देंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हमें आपसे भी दया है, आप भी मतलब पीसफुली रहे, शांति से रहे, और हाथी को भी शांति से रहने दीजिए। दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौस्तुभ चौधरी ने कहा कि আমরা এটা দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এই যে এরকম যেরকম রিসার্চের কাজগুলো বা এই জাতীয় জিনিসগুলো যেটার জন্য বড় দপ্তরের প্রবলেম হচ্ছে, মনিটরিং এর কাজে প্রবলেম হচ্ছে, ভেহিকেল নেই, আমরা এটা নিয়ে সর্বোচ্চ আন্দোলনে যাব এবার। এটা আমরা একদম ডিসিশন নিয়েছি, স্ন্যাপ ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে আমরা ডিসিশন নিয়েছি, এবং অন্য অর্গানাইজেশনগুলোর সাথে কথা হয়েছে, তারাও যাবে। আমরা অ্যাক্টিভিজমে যেতে চাই না, করিও না খুব বেশি, নিজেরাও যেন এক দুই একটা ইয়ে ছাড়া, কিন্তু এবার এটা সময় এসে গেছে, কারণ বন দপ্তরের স্টাফদের যদি আমরা প্রোটেক্ট না করতে পারি, কারণ ওরা প্রোটেক্টেড না হলে কিন্তু আমাদের বন প্রাণ বাঁচবে না। মানে কৌস্তুভ চৌধুরী, অরিত্র শেট্রী, সঙ্গীতা আইয়ার বা এনিওয়ার, উই এ পিপল আর টু সাপোর্ট দ্য ডিপার্টমেন্ট, বা মিডিয়ার লোকজন সাপোর্ট দ্য ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেল স্টাফ যদি ওখানে না থাকে তাহলে কী করে বন্যপ্রাণ বাঁচবে।
সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে নানান রকম ভাতা চালু হয়েছে, নানান রকম অন্যান্য জিনিস হচ্ছে। রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার, সমস্ত রাজনৈতিক দল তারা মানুষ নিয়ে চিন্তিত, বন্যপ্রাণ নিয়ে চিন্তিত না। কিন্তু এটা বোঝা উচিত যে বন্যপ্রাণ নিয়ে চিন্তিত না হলে মানুষও দুদিন পরে থাকবে না। এই জন্য আমরা এটা নিয়ে সমস্ত স্তরে কথা বলার চেষ্টা করব। এবং এই করিডোর মার্কিংটা নিয়ে অলরেডি কথা হয়েছে, দাশগুপ্ত সাহেব কথা বলছে। চেঞ্জ তো হয়, যেমন আগে গৌরীকোণের দিকে হাতি ঢুকতো না, এখন গৌরীকোণের হাতি ঢুকছে। এই চত্বরে আমাদের তুমি যদি এই চত্বরটায় দেখো, আগে আমাদের ওখান দিয়ে যেত চমকডাঙ্গি দিয়ে হাতি যেত, এখন চমকডাঙ্গি দিয়ে হাতি যাচ্ছে না, এখন চলে আসছে টোটগাঁওয়ের দিকটাতে। টোটগাঁও দিয়ে ঢুকে আমার এই পাশে বৈকুণ্ঠপুরের ডিভিশনে, যেই জন্য আমরা এই ফেন্সিংটা করলাম বৈকুণ্ঠপুর, ঠিক আছে, তো ওখানে হাতি চলে এসছে। করিডোরের চেঞ্জেস হচ্ছে কারণ ব্লকেড হয়ে যাচ্ছে, ওকে তো একটা রাস্তা ফলো করতেই হবে, সাবরুট করতেই হবে, যেতে হবে। ওর আলটিমেট এমটা তো মাইগ্রেট করা। আমরা চেষ্টা করব এবং ম্যাডাম সাপোর্ট করছে আমাদের সেই ব্যাপারটাতে, সঙ্গীতা ম্যাডাম অলসো সাপোর্টিং ফর দিস। অরিত্র দীর্ঘদিন একদিন আমাদের সাথে আমরা একসাথে কাজ করছি, এবং এই করিডোরটা নিয়ে আমরা চেষ্টা করবো যে আমরা যদি আরেকটু সাপোর্ট করে জিনিসটাকে বের করতে পারি।